स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं की पहचान किस तरीके से की जाती है। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, तो जिन भी संख्याओं में हमें दिखेगा कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जिस भी संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा तो वो दो टाइप का होता था हमारा, आवृत्ति और अनावृत्ति। ठीक है, तो अशांत संख्या में जो भी संख्या, मतलब जो भी संख्या आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति होगी, तो वो भी कैसी संख्या होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन अशांत अनावृत्ति जो होगी, अशांत अनावृत्ति जो होगी वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। देखो, पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा √23। ठीक है, सवाल पढ़ के बता देता हूँ एक बार। बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है, हमें बताना है। तो √23, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका 23 का। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं या इसका नहीं निकल सकता तो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, पहली संख्या हमारी अपरिमेय हुई। अब यह है √225। ठीक है, 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 15। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसलिए यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये देखिए, ये संख्या आ गई, ये दशमलव प्रसार लिखा हुआ है संख्या का, इस दशमलव संख्या का प्रसार कैसा है, शांत है, तो इसलिए वो कैसी संख्या हो गई, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब इस संख्या पे थोड़ा सा ध्यान दो जरा, ये संख्या आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि क्या हो रहा है, 478, उसके बाद फिर से क्या है, 478, मतलब ये जो संख्या है कुछ इस तरीके से लिखी हुई है ना, ऐसा करके अगर मैं इसे लिखूंगा 7.478, फिर से क्या है, 478, मतलब ये रिपीट हो रही है ना, यहां से रिपीट होना शुरू हो रही है, ये 478 478, तो ये इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है, लेकिन कैसा है, आवृत्ति, इसलिए यह संख्या भी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1.10 1001 0000 1 4 0 है, ऐसे ही 1 1 होता है। तो देखो ये कैसी हो गई, ये अशांत अनावृत्ति हो गई, क्योंकि इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा कोई, है ना, तो इसलिए ऐसी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय हो जाती है। तो अब हम आगे और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरी बुक पे। तो देखिए, हमने सीख लिया कि परिमेय कैसे बताएंगे, अपरिमेय कैसे बताएंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है कि शांत है तो परिमेय होगी, अशांत है अगर वो आवृत्ति है तो भी वो परिमेय होगी, लेकिन अगर अनावृत्ति है तो वो अपरिमेय होती है। अब मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज सिखा रहा हूँ, जो कि क्या होगी, अशांत अनावृत्ति संख्याओं को लिखना। ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति संख्याएं कैसे लिखते हैं वो आप सीख लीजिए इस वीडियो में। देखो, जैसे कोई भी अशांत अनावृत्ति संख्या अगर आपको लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, ये देखो ऐसे 0.12, ठीक है, फिर आप लगा लो 00, फिर 1 2 0000, ऐसे ही 1 2, ऐसे करके 4 0, ऐसे डैश डैश करके दिखा दो। तो इस तरीके से आप कोई भी अशांत अनावृत्ति संख्या लिख सकते हैं, जो कि कैसी होगी, अपरिमेय होगी। एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ, 0.73, 10 लगाया आपने, 7300 लगा लिया, 7300 लगा दिया, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये सब संख्याएं कैसी हैं, अशांत अनावृत्ति हैं, जो कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, परिमेय संख्याएं मैंने वहां पे समझाया था कि किस तरीके से आप दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।